हाँ दोस्त, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वो 90% लोग जो अपनी ज़िंदगी में गोल अचीव नहीं कर पाते, वो कौन सी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। तो इस पूरे वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा हो सकता है शायद वो आपको पता हो, लेकिन यही चीज़ जो लोग अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करते, इस वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्मॉल गोल्स अचीवमेंट, ये तीन शब्द, स्मॉल गोल्स अचीवमेंट, जो आपको आपकी ज़िंदगी में सब कुछ दिला सकते हैं। अगर आप इन तीन शब्द का यूज़ करके कोई भी काम करते हो, जैसे आप रनिंग करना चाहते हो, तो आपको एक दिन में 20 मिनट नहीं दौड़ना है, स्टार्टिंग में 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट, इस तरीके से डेली इम्प्रूवमेंट स्मॉल गोल अचीवमेंट के साथ अगर आप करते हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ इम्पैक्टफुल चीज़ें कर सकते हो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल, एजुकेशन में आपका मन नहीं लगता और आपको ऐसा लगता है कि यू नो अच्छे मार्क्स लाने के लिए 8 घंटा पढ़ना ज़रूरी है। अगर मान लो आप 8 घंटा नहीं पढ़ सकते, तो अगर मान लीजिए आप 30 मिनट भी अगर एक दिन पढ़ते हो या 40 मिनट पढ़ते हो, तो ये आपका स्मॉल गोल है। अगर उस गोल को आप अचीव करते हैं, स्मॉल गोल्स को, तो आगे जा करके आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। स्मॉल गोल अचीवमेंट को यूज़ करने का फ़ायदा हमेशा ये होता है कि जब भी कोई भी बड़ी चीज़ आप देखते हो, तो आप काफ़ी टेंशन में होते हो, आपका जो माइंड होता है वो बड़ी चीज़ देखने से प्रिपेयर नहीं होता है। लेकिन जब आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो कि ठीक है, 1 साल में मुझे ये करना है, आने वाले 6 महीने में मुझे क्या करना पड़ेगा, आने वाले 3 महीने में मुझे क्या करना पड़ेगा, आने वाले 1 महीने में क्या करना पड़ेगा, आने वाले 4 हफ्तों के हर हफ्ते में मुझे क्या करना पड़ेगा, आने वाले हर दिन में मुझे क्या करना पड़ेगा, और अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से जब आप गोल बनाते हो, तो आप अच्छा करते हो अपनी ज़िंदगी में। आपके लिए सबसे पहली ये हो जाता है कि जो आपका अभी का रास्ता है, जो आपका नेक्स्ट कदम है, वो क्लियर हो जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है, काफ़ी सारे लोग 10,000वें स्टेप के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो इस वजह से जो उनका अभी का स्टेप है वो क्लियर नहीं होता, तो इसलिए वो चलते समय लड़खड़ाते, क्योंकि उनका ध्यान 10,000वें स्टेप पे। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में अभी के स्टेप को, जो आज आप करने वाले हो, उस पर ध्यान देते हो, अगर आप स्मॉल स्टेप पे ध्यान देते हो, तो बड़े जो स्टेप है लॉन्गर पीरियड में आप जीतते हो। स्मॉल गोल अचीवमेंट लीड्स यू टू विन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम गोल अचीवमेंट। जो भी आपका आने वाले 1 साल, 2 साल, 2.5 साल में जो भी गोल आप बनाते हो, अगर उसको अचीव करना है, तो एक बात समझ लो, आपको स्मॉल गोल्स पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करोगे, तो आप कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। काफ़ी सारे लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को अप्लाई क्यों नहीं करते, क्योंकि बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि वो सभी लोग यही चीज़ में लगे हुए कि बड़ा सोचो, बड़ा करो, बड़े कुछ होना चाहिए। लेकिन आपको ये ज़िंदगी में समझना ज़रूरी है कि बड़ा तो आपको एक ना एक दिन करना ही है, लेकिन बड़ा काम आपको आपकी ज़िंदगी में करना ज़रूरी है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि मुझे आज क्या करना है। अभी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप मान लीजिए कोई बड़ा रनिंग का आपका टारगेट है, अब आप यही सोचते हो कि ठीक है, आने वाले 1 साल में मुझे ये करना है, आने वाले 6 महीने में मुझे ये करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो ध्यान होता है आने वाले 3 साल बाद क्या करना है, आने वाले 4 साल बाद क्या करना है, या आने वाले 5 साल बाद क्या करना है, वहाँ पे होता है। इस वजह से प्रॉब्लम ये होती कि आने वाले 6 महीने में, आने वाले 2 महीने में, आने वाले 1 महीने में, आने वाले हफ्ते में, और आज के दिन क्या करना है, ये पता ही नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को पता है, लेकिन इन द माइंड, और माइंड में आप कितनी सारी चीज़ें सोचते हो पूरे दिन में, तो क्या लगता है आपको, जो आप सोचते हो वो करते हो नहीं, और इसलिए आपका दिमाग बहाने खोजता है। लेकिन जब वो रिटेन डाउन होता है कि आने वाले हफ्ते में मुझे क्या करना है, ठीक है मुझे ये सारी चीज़ें करनी, ठीक है अगर मुझे दौड़ना है तो मेरे लिए चना खाना इंपॉर्टेंट है, तो ये जब छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान देते हो अपनी ज़िंदगी में, तब जा करके आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और देखिए, ये चीज़ें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक्सपीरियंस जो आपका हो, छोटे से छोटा एक्सपीरियंस भी हो, वो आपको बड़ी लेसन दे जाता है आपकी लाइफ में। ये चीज़ मैंने अप्लाई की थी अपनी पढ़ाई में, कि मैं कॉन्सेंट्रेटली नहीं बैठ सकता था 6 घंटे, इसलिए मैं 2 घंटा पढ़ता था, अपने आप को चाय का एक रिवॉर्ड देता था। दो घंटे मैंने कंप्लीट किए, 2 चैप्टर हुए, मैं नीचे चाय पीने जाता था मेरी लाइब्रेरी में, ये एक रूल था मेरा, जिस वजह से क्या होगा कि मुझे ब्रेक मिलता रहा, मेरा फोकस बढ़ता रहा, और मुझे पता था कि यार सिर्फ 2 ही घंटा पढ़ना है, 8 घंटा नहीं पढ़ना, और इस वजह से मैं उस समय 8 से 9 घंटे पढ़ पाता था, 6 से 7 घंटे पढ़ पाता था। अगर मुझे एक साथ पढ़ना होता, मैं कभी नहीं कर पाता दोस्त। तो ये जो चीज़ है, ये ध्यान रखो, स्मॉल गोल अचीवमेंट ऑलवेज हेल्प यू इन वॉट एवर मैनर, जो भी मैनर है, जो भी फील्ड है, हर जगह आप यूज़ कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपकी फील्ड है स्पोर्ट्स, छोड़ के हम आज बात करते हैं सिंगिंग की है, आप गाने सीखना चाहते हो और आपके पास कोई गुरु नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो आज के डेट में, 20 मिनट डेली रियाज कर सकते हो, बैठकर कहीं बाहर गाकर, या अपने घर में कोई कमरा जो होगा वहाँ पे गा सकते हो। 20 मिनट मत कीजिए, 5 मिनट कीजिए, दूसरे दिन 6 मिनट कीजिए, तीसरे दिन 7, और नेक्स्ट डे 10 मिनट, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़िंदगी में एक चीज़ ध्यान रखना दोस्त,
पागल नहीं बनोगे अपनी जिंदगी में गोल्स के लिए, कोई अचीव नहीं करेगा। मैं जो वीडियो बनाता हूँ लोग मुझे देखते जाते हैं, पहले मुझे लगता था मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं पागल हूँ आप लोगों की सक्सेस के लिए, मेरी सक्सेस के लिए और इस पूरी दुनिया की सक्सेस के लिए। इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़, और प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है बिना लाइक के इस वीडियो पे मत जाना, शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और भाई को सपोर्ट कीजिए। मैं डेली कोशिश करूंगा अच्छे कंटेंट लाने के लिए आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, थैंक यू मेरी जान, आई लव यू ऑल।